आज हमारे साथ चरण सिंह टाक जी हैं, जो बहुजन समाज की आवाज़ को करते हैं और सफाई कर्मचारी यूनियन के लीडर भी हैं। चरण सिंह जी, क्या एजेंडा है आपकी इतनी बड़ी मीटिंग का, जो आज पूरे देश के लोगों को आपने बुलाया है वाल्मीकि समाज के? जो वंश परंपरा से सर पर मेला ढोने वाली जो कौम है जी, वो है, उसे आज हम सफाई कर्मचारी वर्ग के नाम से जानते हैं जी। इस वर्ग का ने सदियों तक वर्ण व्यवस्था के जो है दुखों को झेला है जी। और अपने विकास को ये जो है आज तक करने में असफल रही है जी। नौकरी पेशा जो है ये कम्युनिटी होने के कारण श्रमिक वर्ग में इसका जो है वर्गीकरण होता है जी। इस कम्युनिटी के सफाई मजदूर और अन्य जो सफाई कर्मचारी है हमारे उस वर्ग का, हमारी जो शिखर संस्था है देश की, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, जिसके जन्मदाता स्वर्गीय MLA वासुदेव राव चांगरे जी ये रहे और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये संगठन को 1964 में इसका जन्म हुआ जी। आज देश के विभिन्न प्रदेशों में ये हमारी संगठन चल रही है जी। और सफाई मजदूरों का जो है कुशल नेतृत्व कर रही है जी। लेकिन आज की मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार ने सफाई के अंदर जो है बड़े पैमाने में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके सफाई कर्मचारियों से उनका जो एक बुनियादी जो नौकरी का अधिकार है वो भी छीन लिया है। और इसीलिए एक तो हमारा वो कहना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, उसे रद्द करना चाहिए। दूसरा ये है कि सफाई मजदूरों की नौकर भर्ती पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में होना चाहिए। राज्य सरकारें इस पर गंभीर नहीं है, केंद्र सरकार इस पर गंभीर नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि आरक्षण का लाभ जो है वो इस कम्युनिटी को विशेष तौर पे नहीं मिल पाया, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के की धारा 341 के अंदर 340 में ये स्पष्ट कह दिया है कि जो उस कम्युनिटी का अगर विकास नहीं हो पाता है उसे जो है वो कैटेगरी वाइज जो है उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं को देख करके उसे जो है उसका हक, इसी जो संवैधानिक तरीके का जो आरक्षण फिक्स किया गया है उसमें से बंटवारा कर देना चाहिए। ये संवैधानिक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है और आज हमें उस बाबा साहब की उसी जो सोच है और जो संविधान का जो की धारा है हमें जो प्रोटेक्ट करती है उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारे देश के सफाई मजदूर, फिर उसमें विभिन्न जो है उपजातियाँ हैं वाल्मीकि कम्युनिटी के अंदर, इन लोगों को जो है 5% आरक्षण में से आरक्षण का लाभ देना चाहिए, ये हमारा कहना है। जिससे हमारे बच्चे IAS होए, IPS होए, डॉक्टर होए, इंजीनियर होए और इस गंदगी के काम से जो है हम भी मुक्ति चाहते हैं। आपने बोला आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, तो किस आधार पे बनेंगे, जबकि बहुजन समाज के लोग या वाल्मीकि समाज की आप बात कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों को ही सिर्फ ये कार्य करने की अनुमति क्यों है, ये कार्य क्यों करते हैं और फिर भी उसको छोड़ते नहीं हैं, इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं उसको भी नहीं करना चाहते हैं? ऐसा है कि मैंने अपने शब्दों में अभी अभी आपसे कह दिया कि हम श्रमिक वर्ग है जी, और श्रमिक वर्ग मेहनतकश वर्ग है जी। हम मेहनत करते हैं, फिर वो गंदगी का काम अगर हमें वर्ण व्यवस्था ने हमारे सर पे दे दिया है जी। तो अब वो उसी वक्त अगर बाबा साहब के साथ में अगर हम जो है धर्म परिवर्तन में चले जाते ना जी, तो निश्चित तरीके का इसका कायापलट हो जाता था जी। लेकिन हुआ ये है कि हमारे साथ में अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं जो बहुजन समाज में है जी, वो आज भी वर्ण व्यवस्था के तब जो है वो जुल्म सह रही है और उसी में से हमारा एक ये वर्ग है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये पेशा किया है, अब हम पढ़ाई लिखाई करा करके हमारे बच्चों को तो आगे लेकर जाए, तो हमें कोई ये इसी पेशे में रहने की इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट जो है भरने का उधर निर्वाह का जो साधन है वो हमारे पास में अब कोई दूसरा रखा ही नहीं है इस वर्ण व्यवस्था ने, इसीलिए हम ये पेशे के अंदर हैं और हम आगे आने। क्या लगता है कि आपकी मांगे कहाँ तक सुनी जाएंगी और कहाँ तक मांगनी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से? ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मांग मानेंगे तो हम झाड़ू बंद करेंगे ना देश का, देश के सफाई व्यवस्था को हम जो है अस्त व्यस्त कर देंगे जी। और देश के अंदर के जो करोड़ों सफाई कर्मचारी है वो जो है अपनी बुनियादी मांगों को लेकर के अभी उन्हें
मलकाना कमेटी सैकड़ों सालों से यही होता आ रहा है, जबकि 72 साल से देश आज़ाद हुआ है और सफाई कर्मचारियों ने कई बार झाड़ू को छोड़ा है, तो फिर वो कौन सा कारण हो जाता है या कौन सी बातें हो जाती हैं जो फिर दोबारा से झाड़ू उठा के वही काम करना फिर दोबारा शुरू कर देते हैं? नहीं, क्योंकि मांगे आपकी कोई नई नहीं है, मांगे वही हैं, पुरानी की पुरानी, उसमें क्या परिवर्तन है? नहीं, मांगों में परिवर्तन कब आएगा? जब लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होगा जी। अगर लोगों की मानसिकता में ही परिवर्तन नहीं है और इसीलिए वो बुनियादी मांगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो है बोल रहे हैं। और अब ऐसी बात है कि अगर हम ये पेशे को छोड़ने को तो अभी तैयार है। पुनर्वसन करिए, हमारी मांग है कि 10,000 करोड़ रुपए जो है पे हमारे पुनर्वास के लिए घोषित करें सरकार। हम एक क्षण में ये पेशे को छोड़ देंगे, हम दूसरे पेशों के अंदर जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ऑकेशनल ट्रेनिंग देंगे और नए नए व्यवसाय के अंदर हम हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे। और झाड़ू मारना कोई हमारा कोई है, हमने ही तो कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, और भी आए और भी कोई करे, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वही। देशों के अंदर जो ये सफाई का काम होता है या फिर जो जूते बनाने का काम होता है, इन सभी कार्य को एक कुशल कारीगरी का रूप दिया जाता है, लेकिन इस भारत के अंदर जो है इसको बिल्कुल निम्न वर्ग का दर्जा दे रखा है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं उसके लिए ये कहूँगा कि हमने ये पहले तो देख लेना चाहिए कि जिस व्यवस्था के अंदर हमें ये लोगों ने, इन लोगों ने, जिन लोगों के हाथ में तमाम यंत्रणा है, वर्ण व्यवस्था जिसका नाम है, उन्होंने जिसमें हमें फिक्स कर दिया है जी। फिर जूता बनाने का काम चमारों को दे दिया जी। हाँ, गंदगी का लोगों का मैला सर के ऊपर ढोने का काम जो है वो वाल्मीकि मैत्रों को दे दिया जी। उसके बाद में और जो विभिन्न जातियाँ हैं उन लोगों को इसी तरीके का निम्न दर्जे का काम दिया है और उन्हें सेवक के रूप में ही रखा है जी। आज अगर आवश्यकता है तो उन विचारों की है जो बाबा साहब कहते थे, और आज हम उन विचारों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें प्रति प्रश्न किया जाता है कि आप फिर ये पेशा छोड़ते क्यों नहीं हो, तो हम तो कहते हैं ना छोड़ने के लिए हम तैयार है, लेकिन उसका पुनर्वसन करने के लिए जो स्पेशल कॉम्पिटेंट प्लान है वो उसके तहत हमारा जो है एयरमार्क करना चाहिए पैसा जी। जो सोशल जस्टिस ने हमारे लिए पैसा रखा हुआ है वो हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए वो खर्च में लाना चाहिए, ये हमारा कहना है। और इसीलिए ये जो आप कह रहे हो कि इसकी जो निम्नता जो है कि जूता बनाने वाला जो है उनकी नज़र के अंदर वही है जो लोगों का की गंदगी साफ करने वाला है, तो इसीलिए ये व्यवस्थाओं को ही लात मारने की आज आवश्यकता है, तब जाकर के हम अपने आप के अंदर विकास कर सकेंगे जी। आपने जैसे बताया कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर आईएएस आईपीएस बने, लेकिन किस आधार पे बनेंगे? क्योंकि आप तो अपना उसी के अंदर काम के अंदर आरक्षण मांगने लग रहे हैं कि हमें इसके अंदर आरक्षण दिया जाए। नहीं, हम आरक्षण कहाँ मांग रहे हैं, तो आरक्षण से रहित है जी। आज आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सफाई के कर्मचारी के अंदर आज तो कोई भी कोई आता है जी। और इसका बड़ी लड़ाई हमने जो है राजस्थान में लड़ी है जी। कि जो आते हैं वो नाम के लिए आते हैं जी। कोई जो पार्षद है वो अपने लोगों को लगा देता है, नाम रहता सफाई वे में और वो अपना कहीं बाबूगिरी का काम करता है, लेकिन जो गंदगी का काम तो हमारी कम्युनिटी करती है, हमारे ही वर्ग करते हैं। और ये एक, इसमें दो तरीके की बात है आपके प्रश्न में। एक तो ये है कि हम अपने हम ये आरक्षण क्यों मांग रहे हैं, हम अपना आरक्षण अपने विकास के लिए मांग रहे हैं, जिसमें शिक्षण, जिसके अंदर हमें नौकरियां, जिसके अंदर हमारे विकास की योजनाएं, जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के जो जितने भी पैसा है वो हमारे विकास योजनाओं के ऊपर खर्च होना चाहिए, जो अब नहीं हो रहा है। हमें तो निम्न तरीके से एक तरीके से सफाई मजदूर वर्ग में रखा है। आप अपनी याचिकाएं देंगे और कब तक आप ये झाड़ू छोड़ने का कार्य करेंगे वो बताएं? नहीं, झाड़ू छोड़ने का काम आप, ऐसा है कि ये सरकार हमें जहर दे दे, ये सरकार हमें जहर दे दे, हम तो जहर पी के मर जाएंगे। अगर वो हमें कोई प्रकार का हमारा विकास ही नहीं करना चाहती, वो कहते कि तुम जहाँ पढ़े हो वहीं पढ़े रहो। अब सफाई मजदूरों के बच्चे अगर पढ़े लिख गए हैं तो उन्होंने झाड़ू क्यों हाथ में लेना चाहिए? हमारी ये मांग है। और उनके लिए हम आरक्षण की बात करने लगे कि भाई अब तक तो हम सफाई के पेशे में थे, हम तो कैसे भी अपना घर गुजर बसर चला लेते थे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, कोई अभी डॉक्टर हो गया है, आज भी हमारे समाज में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, फिर आज उन लोगों को भी विकास में नहीं और कई नौकरियों में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है जी। और ये नहीं मिलता है उसका कारण ये है कि नंबर ऑफ जो है परसेंटेज
वो हमारा बिल्कुल ही नहीं, कहीं कोई ध्यान नहीं देते। अभी अगर हमारे ही पिछड़े समाज के लोगों के अंदर और भी कम्युनिटी है जिसके बड़े पैमाने में बच्चे अगर पढ़ लिख करके जाते हैं तो वो पूरा के पूरा आरक्षण का लाभ लेते, हम उन्हें दोष नहीं देते, हम उस व्यवस्था को दोष देते क्यों। शिक्षण का जो है, शिक्षा का जो है, समान दर्जा होना चाहिए था जी। हर एक पिछड़ी जाति के वर्ग को जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा दे करके अच्छा नागरिक बनाने का। क्या हमारा समाज का बच्चा क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है? हमारे वोटों का अधिकार, हमारा जो वोट है वो वोट का जो है वो केवल फायदा लेती है ये राजनीतिक दल। क्या राजनीतिक दलों ने कभी हमारे विकास की बात की है क्या? ये हमारा दूसरा प्रश्न राजनीतिक दलों से भी है।